केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर चल रहे किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के लिए 30 जनवरी को सिरसा शहर में मौन जुलूस निकाला जाएगा। दरअसल इस मौन जुलूस के जरिए किसान सरकार को चेताना चाहते हैं कि वे शांतप्रिय होकर आंदोलन कर रहे हैं। देश का अन्नदाता इतना नीच नहीं हो सकता कि वे देश की आन बान शान लाल किला पर कोई और ध्वज फहराकर देश की आन बान शान पर सवाल खड़े करें। जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे को आदेश दिए थे कि आने वाली 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर शहादत दिवस पर हमने जो है उपवास रखना है 10 से 4 बजे का। उसी उपवास में हमने सभी ने हमारे रिटायर कर्मचारी हमारे छात्र व्यापारी और किसानों ने मिलकर मजदूरों ने मिलकर ये एक निर्णय लिया है कि उस दिन हम सुबह 10 बजे यहाँ पक्का धरना स्टेडियम में शहीद भगत सिंह स्टेडियम में इकट्ठे होंगे और यहाँ से इकट्ठा होकर एक मुंह पर पट्टियाँ बांधकर एक मौन जो जुलूस है निकालेंगे बाजारों में। उस मौन जुलूस में हम सभी भाईचारों को साथ लेकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाईचारों को साथ लेकर सभी संगठनों को साथ लेकर चाहे कुछ छात्र संगठन है चाहे व्यापारी संगठन है किसान हैं हमारे मजदूर हैं दुकानदार भाई हैं सभी हम मिलकर इस सरकार को चिताएंगे कि जो इस सरकार ने 26 जनवरी वाले दिन गुनूनी हरकत की है जो हमारे देश के तिरंगे के अपमान किया है इस बीजेपी की सरकार ने उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। हम किसान हैं किसान का मजदूर का बच्चा बॉर्डरों पे इस देश की रक्षा कर रहा है तिरंगे के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर रहा है इस देश के लिए उस तिरंगे के सम्मान के लिए हम पहले भी सबसे आगे थे अब भी हैं सारे हमने मिलकर उस तिरंगे का सम्मान जारी रखना है। उस तिरंगे का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। जो इस बीजेपी ने हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए तिरंगे का अपमान किया है धार्मिक चिन्ह लगाकर चाहे किसानी झंडा लगाकर क्योंकि हमारे किसान साथियों का जो आह्वान था मैं खुद उस परेड में शामिल था मेरी टिकरी ड्यूटी से टिकरी बॉर्डर पे हम जा रहे थे जो किसान परेड थी वो अपने रूट पे जा रही थी जो लोगों ने जो भड़काए हुए बीजेपी के लोगों ने उनकी जग जाहिर है दीप सिद्धू जैसे लोगों ने जो फोटोएं हैं बीजेपी के साथ हैं क्योंकि एक 26 जनवरी वाले दिन आम दिन में भी वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता लाल किला में और उस दिन जो कांड हुआ है 150-200 लोग हड़दंगी लोग जगा के वो झंडा फहरा रहे हैं वहाँ को पुलिस खड़ी है हमारे पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी है साइड में खड़ी है और करने दे रही है वो एक सोची समझी साजिश के तहत किसानों को आंदोलन को बदनाम करने के लिए किया था लेकिन वो किसान आंदोलन आगे से बढ़िया निखार में आ गया है। जो गंदे लोग थे वो निकल गए हैं अब साफ सुथरा चल रहा है। उसी की कड़ी में हमने एक जो मौन जुलूस निकाल रहे हैं हम शहर में 30 जनवरी को उसमें सभी से आह्वान करते हैं हमारे किसान साथियों से हमारे नौजवान साथी छात्र संगठनों से हमारे सभी व्यापारी संगठनों से हमारे कर्मचारी संगठनों से हमारे प्रधान जी हैं महावीर जी को रिटायर कर्मचारी संघ के प्रधान हैं और भी सारी जितने भी संगठन हैं उनसे आह्वान करते हैं कि हमारे इस मौन जुलूस में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टेडियम में 10 बजे पहुँच कर इसका हिस्सा बने और सारे बाजारों में हम घूम कर एक संदेश देंगे कि हम शांत हैं शांत थे और शांत रहेंगे। हमारा शांति से यह आंदोलन चलता था चलता है चलता रहेगा तब तक चलेगा जब तक यह सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं करती MSP का गारंटी कानून नहीं बनाती पराली और बिजली कानून वापस नहीं लेती तब तक ये हमारा आंदोलन जारी रहे। जी जैसे कुछ किसान संघों ने ऐलान किया है वो बाहर हुए इससे बाहर हुए आगे सिरसा में किस तरह से आंदोलन चलता रहेगा धरना जारी रहेगा पक्का मोर्चे में लगातार बिल्कुल जारी सभी जगह। आज टोल प्लाजे की सुबह एक वायरल हुआ था मैसेज हजारों की गिनती में हमारे किसान वहाँ पहुँचे हैं ये पत्रकार बंधु भी वहाँ थे हजारों की गिनती में हमारे किसान पहुँचे हैं यहाँ भी धरना जारी है हमारे बुजुर्ग हमारे साथी सभी यहाँ चालू रहेंगे। और दूसरा वो VM सिंह की बात है हमने पहले दिन से ही हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने उसको निकाल दिया था उसने नहीं छोड़ा निकाला गया था उसको पहले दिन से हमारे संगठन का हिस्सा नहीं है पहले भी नहीं था अब वो BJP का आदमी था BJP में शामिल है। जो किसान जो किसानी की लड़ाई चल रहे हैं अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं मजदूर और हमारे व्यापारी लड़ रहे हैं वो लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते। लाल किले पर जिस तरह से जो हुआ देश अपमानित हुआ उसमें क्या कहीं पॉलिटिकल पार्टीज का भी हाथ लगता है दूसरी पार्टी उसके बीजेपी के साथ साथ दूसरी पार्टी इन्वॉल्व कुछ भी हो सकता है लेकिन मेन तो बीजेपी है ना आप क्योंकि हम सरकार जो भी सत्ता में सरकार हम अपनी उनकी नीतियों के विरोध में हम किसी के विरोधी नहीं हैं हम हमारी कोई पर्सनल
मोदी से या अमित शाह से कोई पर्सनल हमारी रंजिश नहीं है, हमारी उनकी नीतियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जो उन्होंने हमारे ऊपर कानून थोपे हैं उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है, किसी व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं किसी की, और ये कोई भी कर सकता है। इसलिए ये जो आंदोलन को ख़राब करने का जो काम किया था वो सारी दुनिया देख चुकी है, क्योंकि जो हम जब हमारी परेड जा रही थी तो दिल्ली वाले लोगों ने फूल बरसाए हमारे लिए, लंगर लगाए, स्वागत गेट बनाए, जहाँ से हमारा रूट दिया गया था वहाँ हमारी उन लोगों ने, व्यापारी लोगों ने, दिल्ली वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको जो हमारी जाके स्वागत किया। इसको भटकाने के लिए कि हमारा मैसेज ज़्यादा ना जाए, उसको मीडिया को उधर घुमाने के लिए वो किया गया है, षड्यंत्र है, वो सब जानते हैं, वो धीरे धीरे पर्दाफाश हो जाएगा, वो षड्यंत्र का एक हिस्सा था, वो षड्यंत्र में। आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम देश और प्रदेश की सरकार को चेतावना देते हैं कि तब तक के काले कानून वापस नहीं होते, कितने कुटिल चाले चल ले हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसान जत्थेबंदियां, संयुक्त किसान मोर्चा संघ जो भी आदेश देगा, पहले भी सर्वकुंज संघ तालमेल कमेटी सिरसा डिपो हमेशा से इनके कंधे से कंधा मिला के अग्रणी पंक्ति में रहिए, आगे भी रहेंगे। उस सरकार जो उच्च हरकतें कर रही है इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे, तीन काले कानूनों को वापस करके मानेंगे, नहीं तो इससे भी तीखे आंदोलन के लिए सरकार तैयार है। 30 तारीख का जो मोमेंट है, जो साथी कहेंगे, हजारों की संख्या में सिरसा डिपो के कर्मचारी, सर्वकुंज संघ के तमाम विभागों के कर्मचारी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद।